Hey friends, I'm back again and welcome to my channel Tamitul with Entertainment. आज हम बनाएंगे रुमाली रोटी. जी हाँ, आपने सही सुना, हम बनाएंगे रुमाली रोटी, वो भी घर में कुछ मिनटों में. बस आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और देखिए इसे कैसे बनाते हैं. ये देखिए, एकदम सॉफ्ट स्मूथ रुमाल जैसी रोटी बनी है. ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी पतली है, ये पूरी रुमाल जैसे ये फोल्ड हो चुकी है. आप इसे बनाने की रेसिपी नोट डाउन कीजिए और इंग्रेडिएंट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए. हमने यहाँ 1 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा लिया है. हमने दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है. सिर्फ मैदे से अगर आप रुमाली रोटी बनाएंगे तो बहुत खींचेगी. हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट डाल देंगे, साथ ही साथ ऑयल डालेंगे हम 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. बिना पानी बिना किसी चीज़ के सिर्फ ऑयल नमक और आटा एक दूसरे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से. ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कितने अच्छे से आटा तेल मैदा और नमक मिक्स कर लिया है. अब हम इसका एक अच्छा सा डो या आटा गूंद लेंगे. हम सिर्फ दूध का यूज़ कर रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क हमने लिया है, हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे. आप सिर्फ दूध अगर यूज़ करेंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका आटा बहुत स्मूथ और सॉफ्ट गूंदा जाएगा. आपको नॉर्मल आप जैसे रोटी का आटा बेलते हैं या गूंदते हैं उससे थोड़ा सा इसे सॉफ्ट रखना है. रुमाली रोटी का आटा हमेशा सॉफ्ट ही रखना चाहिए, वरना रोटी अच्छे से नहीं बनेगी. हमने यहाँ एकदम सॉफ्ट आटा गूंद लिया है. अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए. जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ एक बाउल में कटोरी में पानी ले लेंगे. उसमें करीबन 2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 स्पून की सहायता से इसे हिला लेंगे. रुकिए रुकिए, बताते हैं ये हम पानी क्यों बना रहे हैं. यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है नॉर्मल, जिसमें आप खाना बनाते हैं. इससे बड़ी आपके पास है तो आप बड़ी ले लीजिए, जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं. इसे मैंने गैस पे उल्टा रख दिया है. आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे हाई फ्लेम पे गैस चल रही है और मैंने यहाँ इसे उल्टा करके रख दिया है. जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ कढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर देंगे. जैसे एक तंदूरी इफ़ेक्ट लाना होता है वैसा लेके आएंगे. अब ये नमक वाला पानी जो हमने बनाया है, हम इसे रोटी बेलने के बाद यहाँ कढ़ाई के सरफेस पे डालेंगे. ये नमक वाला पानी जो है ये कढ़ाई पे एक लेयर तैयार कर देगा, एक नॉनस्टिक लेयर जैसा, जिससे आपकी रोटी इस पे स्टिक नहीं होगी. हमारा आटा यहाँ अच्छे से रेस्ट हो चुका है. अब इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई या पेड़े बना लेंगे. ये हमारे पेड़े बनके यहाँ तैयार है. हमें ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने हैं, क्योंकि आपकी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आप रोटी बेलिएगा. ये जितनी थिन आप बेल सकते उतनी थिन आपको इसे बेलना है, एक पेपर के क्वालिटी के जैसे. अब हम हमारा आटा ले लेंगे, सूखा आटा, प्लेथन जिसे हम कहते हैं रोटी बेलने के लिए. हमने यहाँ नॉर्मल आटे का ही फ्लार लिया है, सूखा आटा लिया है, आप मैदा ले सकते हैं. अब हम इसे बेलेंगे. आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतनी अच्छी आपकी रुमाली रोटी तैयार होगी. इसे कंटिन्यूस आपको बेलते जाना है. हमने यहाँ मैदे में आटा इसलिए मिक्स किया था क्योंकि मैदा बहुत खींचता है बनते टाइम. अगर आप इस तरीके से
आटा और मैदा मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी रुमाली रोटी बनेगी। इसे बेलते टाइम आप जितना सूखा आटा लगाएंगे उतनी अच्छे से आपकी रुमाली रोटी बेली जाएगी, पतली और बहुत सॉफ्ट। सॉफ्ट तो ये बनेगी ही क्योंकि हमने इसमें दूध और तेल डाला है। ये हमारी रुमाली रोटी हमने अच्छे से बेल ली है। आप इसके कॉर्नर्स देखिए, एकदम पेपर जैसे पतले हैं। अब हम इसे एक बेलन के ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करके रख देंगे। जो हमने यहाँ कढ़ाई हीट की है, प्री हीट की है, जो आपको हमने बताई है, उस पर हम हमारा ये नमक वाला पानी डालेंगे और गैस हाई फ्लेम पे इसको अब हम हल्की मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब नमक वाला पानी मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमें कढ़ाई पे लेयर तैयार कर दे जिससे हमारी रोटी इस पर स्टिक ना हो। हाँ, इससे थोड़ा सा आपका स्लैब गंदा होगा, बट नो प्रॉब्लम, आपको रुमाली रोटी का घर बैठे बैठे मज़ा भी मिलेगा। अब हम ये जो हमारा बेलन है इसके ऊपर जो हमने रोटी बेली थी उसको धीरे से ऐसे रख के बस इस पर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई प्री हीट करने के कारण बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बस अब हम इसे एक चिमटे की मदद से पलट लेंगे और आप एक क्लीन नैपकिन लेके दूसरे साइड पे हल्के हल्के हाथ से बस इसे थोड़ा सा सेकते जाइए। ज़्यादा आप दबाएंगे तो ये पापड़ जैसी कड़क हो जाएगी। फ्लेम मीडियम से थोड़ी ऊपर है, पूरी हाई नहीं रखी है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे स्टिक भी नहीं हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रुमाली रोटी पूरी बनके तैयार है। एकदम आप इसको जितने फोल्ड करना चाहे कर सकते हैं, एकदम रुमाल जैसी फोल्ड हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और रुमाली रोटी घर पे बनाइए इस लॉकडाउन में और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा रुमाल जैसा फोल्ड हो चुका है, स्टिल इट इज़ सॉफ्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लाइक कमेंटिंग मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग एंड डू लाइक माई चैनल ऑन फेसबुक टमी टमी टुल्बे एंटरटेनमेंट।